मूरे टू मीली कन्वर्जन, बेसिकली कोई मूरे अगर किसी मीले में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है ना, तो ये दोनों आपस में इक्वेलेंट होंगे, ये दोनों मशीन्स आपस में इक्वेलेंट होंगी। और अगर कोई मीली किसी मूरे में कन्वर्ट हम कर लेंगे, तो ये दोनों जो आए हैं, मतलब पहले वाला और कन्वर्ट होने के बाद, ये दोनों आपस में इक्वेलेंट होंगे। यही है आपकी इक्वेलेंस ऑफ मीली एंड मूरे मशीन, कन्वर्जन के थ्रू हम देखेंगे। और कन्वर्जन करने के लिए सबसे पहले आपको एक मूरे मशीन बनानी पड़ेगी, उसको फिर मीली में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मीली टू मूरे करना है अगर, तो पहले मीली मशीन बनानी पड़ेगी, उसको फिर मूरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन के इसलिए मैंने ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं कराए थे, एक दो दो क्वेश्चन ही कराए, क्योंकि कन्वर्जन में भी आप कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन देख लोगे, ठीक है ना। तो अब जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्ट अ मूरे मशीन ओवर अल्फाबेट ए कॉमा बी दैट काउंट्स नंबर ऑफ एज मॉड्यूलस 3 एंड कन्वर्ट दिस टू मीले मशीन, एंड कन्वर्ट दिस टू मीले मशीन, दिस टू मीले। या फिर आपको ऐसे भी दिया हो सकता है, फाइंड इट्स इक्विवेलेंट मीले, मतलब इसी मशीन का इक्विवेलेंट मीले ढूंढ लो। उसका भी यही मतलब है कि मीले में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो कंस्ट्रक्ट कर लेंगे एक मूरे मशीन हम। अब इसमें आपको करना क्या है, ए कॉमा बी पे आपको एक, मतलब इनपुट उसकी ए कॉमा बी है, और आउटपुट हमें नहीं दी हुई इसमें, आउटपुट हमें नहीं दी हुई, तो इनपुट तो आपकी हो गई इस मूरे मशीन की ए कॉमा बी। मतलब आप ए और बी का कुछ भी स्ट्रिंग एंटर करा सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपने ये एंटर कराया बी ए, या फिर आपने एंटर कराया बी ए ए, और या फिर आपने सिर्फ बी बी एंटर कराया, मान लो सिर्फ बी एंटर कराया, ठीक है ना। अब और आउटपुट आपकी क्या क्या आएगी, ठीक है ना, ये तो हमारी इनपुट थी। आउटपुट आपकी जो आ सकती है ना, वो आ सकती है 0 1 या फिर 2 आ सकती है। ये कैसे निकाली मैंने, या मैं आपको बताता हूँ। सपोज आपने एक भी ए एंटर नहीं कराया, कोई आपका ऐसा स्ट्रिंग आपने एंटर कराया जिसमें एक भी ए नहीं था, एक भी ए उसमें नहीं था, तो आपका नंबर ऑफ एज हो गए 0, नंबर ऑफ एज हो गए 0, और 0 मॉडुलस 3 इज 0। एक ए था उसमें तो 1 मॉडुलस 3, ठीक है ना, 1 मॉडुलस 3 इज 1। दो ए थे मतलब 2 मॉडुलस 3, 2 मॉडुलस 3 इज 2। अब इसके बाद अगर मान लो 3 ए हो जाते हैं इसमें, तो 3 मॉडुलस 3 आ जाता, 3 मॉडुलस 3 दोबारा से 0 हो जाएगा। 4 आ जाते हैं तो 4 मॉडुलस 3 1 हो जाएगा, 5 मॉडुलस 3 2 हो जाएगा, 6 मॉडुलस 3 दोबारा से 0 हो जाएगा, 7 मॉडुलस 3 1 हो जाएगा, 8 मॉडुलस 3 2 हो जाएगा, ऐसे रिपीट करता जाएगा। तो बेसिकली आउटपुट हमारी 3 ही आएगी, 0 1 या फिर 2, इस मूरे मशीन की 3 ही आउटपुट आएंगी। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में आपको इनपुट और आउटपुट गिवन होती है, यहाँ आउटपुट नहीं गिवन थी, तो बहुत ही आसानी से हमने निकाल ली। बेसिकली एग्जामिनर आपको चेक कर रहा है कि क्या आप आउटपुट निकाल पाते हो, क्या आपको मॉडुलस का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, बिल्कुल ईजी। अब कुछ भी नहीं है, मूरे मशीन कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। सबसे पहले एक स्टार्ट स्टेट हमें लेनी होती है। स्टार्ट स्टेट के अंदर जैसे ही ए आएगा, उसको हम अगली स्टेट में भेज देंगे, ठीक है। और अगर एक और ए उसमें आ जाएगा, ठीक है ना, एक और ए अगर उसमें आ गया, तो उसको अगली स्टेट में भेज देंगे। अब जो सबसे पहली स्टेट है ना, जिसमें एक भी ए नहीं है अभी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट 0 होगी, एक भी ए नहीं था, 0। और सेकंड स्टेट की कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट होगी 1, एक ए इसमें था, आ गया ना एक ए, और इसके अंदर 2 ए आ गए, पहले एक ए आया फिर दूसरा ए आ गया, तो इसकी होगी 2। और 0 1 2 3 ही आपकी आउटपुट थी, 3 ही स्टेट बनेंगी। मूरे मशीन में आउटपुट हम स्टेट के साथ ही लिखते हैं, ये तो आपको आपने पढ़ा ही है मूरे मशीन में भी। अब अगर स्टार्टिंग में ये बी आ जाए, तो बी तो इसी में रहेगा, बी से तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, कितने ही बी आ जाए, हमें तो ए को गिनना है ना। ऐसे ही अगर इसमें बी आ जाए, तो वो इसी में रहेगा, ठीक है ना, और इसमें भी बी आ जाए अगर, वो भी इसी में रहेगा। और इसके अंदर अगर एक और ए आ जाए, मतलब पहले ए के आया फिर दूसरा ए आया, ठीक है ना, तो अभी तक आपका जो 2 मॉडुलस 3 है वो 2 है, अब एक और ए आ गया, तो आपका मॉडुलस दोबारा 0 हो जाना चाहिए ना, 3 ए आ गए, जैसे मैंने आपको बताया था रिपीट करा, तो एक और ए अगर आ गया तो ये रिपीट कर जाएगा इस तरीके से। अब आपने सभी के लिए बता लिया, ए के लिए बता दिया स्मॉल ए के लिए क्या होगा, स्मॉल ए बी के लिए क्या होगा, बी के लिए भी बता दिया स्मॉल बी के लिए, स्मॉल ए के लिए, इसके लिए भी बता दिया स्मॉल बी के लिए, स्मॉल ए के लिए। तो ये आपका मूरे मशीन बन के तैयार, एकदम बेहद आसान, ठीक है। अब हम इसकी देखते हैं, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे मीले में, ठीक है भाई। तो इस मूरे मशीन को यूज़ करके हमने एक इसका टेबल बना लिया, ट्रांजिशन टेबल जो हमारा था, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, ए में ए डालने पे बी पे चला जा रहा है, ए में बी डालने पे ए पे ही रह रहा है, और आउटपुट ए की क्या है, 0 है, बी की आउटपुट 1 है, सी की आउटपुट 2 है, ठीक है ना, ये तो हमने लिख ली बाहर। बी में ए डालने पे क्या हो रहा है, सी पे चला जा रहा है, बी में बी डालने पे बी पे ही रह रहा है, सी में ए डालने पे वापसी ए पे आ जा रहा है, और सी में बी डालने पे बी सी पे ही रह रहा है। तो ये हमारी टेबल बहुत आसानी है, हमारी मूरे मशीन की टेबल आ गई। अब हमें मीली मशीन की टेबल बनानी है। मीली मशीन की टेबल का जो आप कह सकते हो खांचा होगा, वो इस तरीके से होगा, उसकी जो टेबल होगी वो इस तरीके से होगी। इसमें क्या है, स्टेट्स हमारी सेम है। अब मीली मशीन के अंदर आपको याद होगा क्या होता था, हर एक जो भी आपकी, मतलब इस तरीके से आप लिखते थे ना, इस एरो के ऊपर लिखते थे आप आउटपुट, मतलब पहले इनपुट लिखते थे फिर डैश डाल के आउटपुट लिखते थे। जैसे आउटपुट मान लो आपकी आएगी 0 1 कुछ भी, है ना,
लेकिन मूरे के अंदर हम जो ये स्टेट होती थी आउटपुट, यहाँ के बजाय स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट लिखते थे, है ना, यही फर्क होता था बस मीले और मूरे में। तो इसके अंदर हम वही कर लेंगे एरो के ऊपर वाली, मतलब ए में अगर इनपुट ए डालें ठीक है तो किस स्टेट पे हो जाएगा और क्या आउटपुट आएगी, दोनों चीज़ें हमें बतानी पड़ेगी। तो ए में अगर स्मॉल ए डालेंगे तो स्टेट पे तो जा रहा है बी पे, अलग पेन से लिख लेते हैं, बी स्टेट पे वो चला जा रहा है ठीक है। और बी की आउटपुट क्या है, बी की आउटपुट आपको ऐसे देखनी है, बी की आउटपुट है वन, ए में बी डालने पे ए पे ही रह रहा है और ए की आउटपुट क्या है जीरो, ऐसे ही बी में ए डालने पे सी पे चला जा रहा है, सी की आउटपुट क्या है टू, तो जा तो सी पर है आउटपुट टू, और बी में ऐसे ही बी में बी डालने पे बी पे ही रह रहा है तो और आउटपुट बी की क्या है वन ठीक है। इसी तरीके से सी में ए डालने पे ए पे जा रहा है, ए की आउटपुट क्या है जीरो, सी में बी डालने पे सी पे जा रहा है और सी की आउटपुट क्या है टू। तो ये आपकी मीली मशीन बन चुकी है, बन के तैयार है एकदम। अब इसका आपको डायग्राम आप डायरेक्टली खुद बना सकते हैं, मैं भी बना के आपको दिखा देता हूँ ना। सबसे पहले आप लेंगे स्टेट ए, ए स्टेट आपकी स्टार्ट स्टेट है, यहाँ पे आप लिख भी दो ऐसे इस तरीके से, स्टार्ट ए स्टेट आपकी स्टार्ट स्टेट है ना, और ऐसे ही आपकी। तो अब इसके अंदर हम देख लेते हैं ए स्टेट के अंदर सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने उसके अंदर डाला इस तरीके से ए, और ए डालने पे हमारा आउटपुट क्या आ रहा है वन आ रहा है, ए डालने पे आउटपुट आ रहा है वन और जा हो रहा है स्टेट बी ठीक है। और अगर बी डालते हैं इसमें, अगर बी डालते हैं स्मॉल बी, तो आउटपुट आपका जीरो हो रहा है, आउटपुट जीरो हो रहा है और रहे ए पे ही रहा है, तो ये हमने बना लिया। अब बी के लिए बना लेते हैं, बी में ए डालने पे स्टेट सी पे चला जा रहा है, तो एक और स्टेट बना ली सी, ए डालने पे सी पे चला जा रहा है और आउटपुट क्या दे रहा है टू, और बी डालने पे बी में बी डालने पे बी पे ही रह रहा है, बी पे ही रह रहा है और आउटपुट दे रहा है वन, आउटपुट आपने इस तरीके से लिख लिया। अब आखिरी बचा है सी में ए डालने पे ए पे चला जा रहा है, इस तरीके से आप बना लेना, थोड़ा साफ आप एग्जाम में कोशिश करना बनाने की, और आउटपुट दे रहा है जीरो, और सी में बी डालने पे, सी में बी डालने पे सी पे ही रह रहा है और आउटपुट ठीक है। लेंगे मैंने मान लिया मीली मशीन ऑलरेडी आपने को गिवन है, या फिर आपने कंस्ट्रक्ट करके उसका टेबल मान लिया है, बना लिया है ठीक है ना, मैंने मान लिया है सर। कंस्ट्रक्ट आपको खुद करना है, मैं बार बार कंस्ट्रक्ट करके आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा, उससे आप ही का टाइम ख़राब होगा। अब सबसे पहले तो आपको देखना है कि मूरे मशीन के लिए हर एक स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग एक यूनिक आउटपुट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे Q2 के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट वन भी है और आउटपुट टू भी है, ऐसे ही Q3 के कॉरस्पॉन्डिंग भी आउटपुट वन भी है और आउटपुट टू भी है, और Q1 के कॉरस्पॉन्डिंग इस डाटा के अंदर आपको कोई आउटपुट अभी नहीं दिख रही, अभी कोई आउटपुट आपको नहीं दिख रही, मैंने मान लिया 5 अभी मान लिया, कुछ आउटपुट नहीं है अभी। तो Q2 जब वन आउटपुट दे रहा है ना, Q2 वन जब दे रहा है उसको मैं मान लूंगा Q2 वन स्टेट और Q2 टू स्टेट, Q3 वन जब दे रहा है उसको मैं मान लूंगा Q3 वन, और Q3 जब टू आउटपुट दे रहा है उसको मैं मान लूंगा Q3 टू। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें मूरे मशीन के लिए हर स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग एक यूनिक आउटपुट चाहिए ठीक है ना, लेकिन यहाँ यूनिक आउटपुट थोड़ी है इसलिए हम स्टेट ही बदल देंगे, स्टेट ही ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा आ गया, अब हम कॉलम्स वगैरह बना लेते हैं। तो इस तरीके से हमने मूरे वाली का टेबल बना लिया, सारी हमने स्टेट्स लिख दी, Q1 Q21 Q22 Q31 Q32। अब Q1 के कॉरस्पॉन्डिंग सबसे हम पहले देखते हैं, Q1 के कॉरस्पॉन्डिंग ए पे, मतलब Q1 में अगर हम ए डालेंगे तो चला जा रहा है वो Q2, और कौन सी Q2 पे जा रहा है जिसकी आउटपुट वन है, तो Q21 पे चला जा रहा है, और बी डालने पे Q3 पे चला जा रहा है जिसकी आउटपुट वन है, तो Q31 पे चला जा रहा है, और Q1 का कोई आउटपुट तो है ही नहीं, यहाँ से Q1 का कोई आउटपुट हमें मिला ही नहीं, तो इसको हम खाली छोड़ देंगे। अब Q21 के लिए आपको देखना है, तो Q2 में जब ए हम डाल रहे हैं तो Q2 पे चला जा रहा है, और कौन से Q2 पे जा रहा है जिसकी आउटपुट 2 है, तो Q2 2 पे चला जा रहा है, और जब बी डाल रहे हैं तो Q3 पे चला जा रहा है आउटपुट 1 वाले पे, तो Q3 1 पे चला जा रहा है, और इस Q21 की आउटपुट क्या है 1। अब Q22 के लिए भी यही रहेगा, Q22 के लिए Q22 और ये हो जाएगा आपका Q31, और आउटपुट इसकी चेंज हो जाएगी, आउटपुट 2 हो जाएगी। इसी तरीके से हमने बचाव भी लिख लिया Q31 और Q32, ये हमारा आ गया इक्विवेलेंट मूरे मशीन। इसमें सिर्फ Q1 का अभी तक आउटपुट नहीं आया है, Q1 का, बाकी सबका आप देखो आउटपुट इस तरीके से आ चुका है, इस तरीके से मैंने बना लिया खाचा ठीक है ना।
अब इसी से आप इसका डायग्राम बना लोगे, सारी स्टेट्स आप इसी तरीके से बना लोगे, मतलब Q21 को अलग स्टेट बनाओगे, Q22 को अलग स्टेट बनाओगे, Q1 को अलग स्टेट मानोगे, Q31 को अलग स्टेट मानोगे और Q32 को अलग स्टेट मानोगे। बस Q1 की आउटपुट आपको नहीं पता तो यहाँ आप आउटपुट कुछ नहीं लिखोगे, और बचोगे आउटपुट आपको पता है और सबकी एरोज़ वगैरह कॉरस्पॉन्डिंगली टेबल देख के आप बना लोगे। कन्वर्जन आपका हो चुका है तो इस मिली मशीन के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास इक्विवेलेंट मूरे मशीन आ गई है, आपका इक्विवेलेंसी ऑफ मिली एंड मूरे मशीन कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। थैंक यू।